सभी साथियों को जय हिंद। जितने भी हमारे प्यारे भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन, एक पोस्ट है बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी दूसरी लिस्ट आ चुकी है फ्रेंड्स, पहली लिस्ट आ चुकी है, आप सभी को पता है, मैंने उसका वीडियो बना भी दिया है। आज फ्रेंड्स दूसरी लिस्ट और आ गई है। अब साथ ही में देखेंगे कि स्टोर कीपर की लिस्ट कब तक आएगी एंड मेसन की लिस्ट कब तक आएगी। फ्रेंड्स, बीआरओ ने हाल ही में एक नोटिस डाला है, उस नोटिस की सच्चाई भी हम देखने वाले हैं कि नोटिस में क्या क्या है। फ्रेंड्स, बीआरओ ने नोटिस डाला था तब हमको टाइम नहीं मिल पाया, आप सभी को पता है मैं जॉब करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा टाइम निकाल के हमको बनाना पड़ा क्योंकि एक नोटिस वो आ चुका था और एक डॉक्यूमेंट की सेकेंड लिस्ट आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, दोनों को मिला के हमने वीडियो बनाने की सोची है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी कि बीआरओ ने नोटिस डाला उसमें क्या है, एंड जो डॉक्यूमेंट की दूसरी लिस्ट है उसमें कितने लड़कों को उन्होंने बुलाया है। फर्स्ट लिस्ट में आप सभी को पता फ्रेंड्स 420 लड़कों को उन्होंने कॉल किया है। अब सेकंड लिस्ट में देख लेते हैं कितने लड़कों को उन्होंने कॉल किया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी नए नए नोटिफिकेशन एवं बीआरओ संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, हमारा चैनल एक ऐसा है जिसके माध्यम से आपको कभी फ्रॉड जो भी न्यूज़ हो नहीं बताई जाती है, जो ऑथेंटिक होती है या हमारे पास जो विद प्रूफ होता है वही बताई जाती है। मैंने पहले भी एक नोटिस डाला था फ्रेंड्स, उसमें बताया था कि सितंबर में एग्ज़ाम होगी और फ्रेंड्स कई लड़कों ने डाला था कि ये फेंक है। तो ठीक है, आप फेंक मान सकते हो, बट मेरे पास जो ऑफिशियल आया था जो कि इंटरनल न्यूज़ थी, मैंने वो उसी टाइम बता भी दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने सेप्टेम्बर के लिए बोला था और सेप्टेम्बर में ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लेते हैं नोटिस क्या है। पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की दूसरी लिस्ट। फ्रेंड्स, हमने लिस्ट खोल ली है, दूसरी लिस्ट है सेकंड एंड फाइनल लिस्ट। फ्रेंड्स, ये सेकंड है एंड फाइनल दोनों ही है, इसको सेकंड मान सकते हो या फिर फाइनल भी आप मान सकते हो। अब इसके बाद में कोई लिस्ट नहीं आएगी। सेकंड एंड फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर होम कॉल लेटर इश्यू फॉर अपियरिंग रिटर्न एग्जामिनेशन ड्राफ्ट मैन। ठीक है फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट 01/2021। रिपोर्टिंग डेट की बात करें तो रिटर्न एग्जाम इनका 29 अगस्त को होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम इनका 8 बजे। इनका वही एग्जाम सेंटर वो डीजी कैंप पुणे में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हो। कट ऑफ की बात कर ले फ्रेंड्स, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट जितने भी थे सभी को उन्होंने बुलाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस नोटिस में इन्होंने यही बताया कि जो डॉक्यूमेंट की वैकेंसी थी वो डिक्रीज कर दी गई है। पहले इनकी वैकेंसी 43 थी, अब इनको घटाकर इन्होंने 35 कर दी है। फ्रेंड्स, पहली लिस्ट में इन्होंने 420 बच्चों को कॉल किया है, अब देख लेते इन्होंने कितने बच्चों को कॉल किया है। वैकेंसी सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया था, अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में टोटल कितने लड़कों को उन्होंने कॉल किया है। फ्रेंड्स, 48 लड़कों को इन्होंने कॉल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इन्होंने 420 लड़कों को कॉल कर लिया है, अब 48 को कॉल कर लिया है, तो टोटल हो गए 468 लड़के। तो फ्रेंड्स, इन्होंने 468 लड़कों को बुलाया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, जिसका एडमिट कार्ड अगर बाई पोस्ट नहीं आता है, पहली बात तो उन्होंने कॉरिस्पोंडेंस एड्रेस आपका वहाँ पर सेंड कर दिया। अगर नहीं पहुँचा है तो आप जो अपनी बीआरओ की वेबसाइट से जो लिस्ट है उसको निकाल के प्रिंट आउट करके ले जा सकते हो। उसके साथ में एक आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो ले जा सकते हो, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं बीआरओ ने जो नोटिस डाला था उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये बीआरओ नोटिस डाला है, नोटिस फॉर कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट 01/2021। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 फॉर वायरस पोस्ट आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स, जो 01/2021 है अगेंस्ट जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उनका प्रोग्रेस चालू है। ठीक है, और प्रोग्रेस में उन्होंने क्या क्या किया है वो देख सकते हो आप। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उनका कॉल लेटर इन्होंने 20 जुलाई को इशू कर दिया है, उनके एग्ज़ाम 27 अगस्त को है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो कॉल लेटर उन्होंने 20 जुलाई को इशू कर दिया, उनके एग्ज़ाम में 29 अगस्त को। बात कर लेते हैं सुपरवाइज़र स्टोर। सुपरवाइज़र स्टोर का फ्रेंड्स सुपरवाइज़र स्टोर में इन्होंने वैकेंसी रिड्यूस कर दिया, घटा दी है। और फ्रेंड्स, इनका रिटर्न एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली उन्होंने बताया है कि एंड ऑफ अगस्त 2021, अगस्त 2021 के एंड में एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इन्होंने COVID-19 को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, इन्होंने आपका जो रिटर्न एग्जाम का प्रोसेस थोड़ा सा धीमा कर दिया है, ठीक है। तो आपके जो कॉल लेटर है वो आपको अगस्त 2021 में प्राप्त हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बता दूँ, मिड अगस्त में आपका कॉल लेटर इश्यू हो जाएगा। आपका रिटर्न एग्जाम है वो टेंटेटिवली मिड सेप्टेम्बर में होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते ड्राइवर इंजन स्टैटिक, MSW, ड्राइवर इंजन स्टैटिक DES की बात कर लेते हो फ्रेंड्स। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम मैसन की। तो मैसन में भी इन्होंने ये बताया, द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल फॉर द पोस्ट आर लेस, देयर बाय द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी इंटीमेटेड लेटर। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि आपका भी जो एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेंड्स आपका जो प्रोसेस है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, तो भविष्य में इसका कुछ होने वाला है, अभी इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगता है कि इसका जब आपका SKT वाला कॉल लेटर आए उसके साथ में इसका भी कोई अपडेट आए। रेडियो मैकेनिक की बात कर लेते फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, उस कारण आपकी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स अगर मेसन की वैकेंसी कैंसिल करना होता तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, रेडियो मैकेनिक की इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो सेम आपका भी यही प्रोसेस रहता है। लेकिन इनको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने 2019 वाली वैकेंसी आई थी उसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये बार बार कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगता है कि आपका मेसन का कैंसिल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यही थी इसमें न्यूज़, और ज़्यादा कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो उसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स आपके जितने भी ग्रुप सभी में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जिससे सभी स्टूडेंट उनको पता चल सके क्या प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी साथियों को जय हिंद, वीडियो ऑफ करते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद।